पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। शांति। सभी सूर्यवंशी अचल अडोल निमित्त राजी अशरीरी ज्ञानी तो आत्माओं को बॉडली मॉर्निंग। बेहद के बाद आज पूरा वर्षा लेने वाले बच्चों की निशानियां बताते हैं, तो मुरली को बहुत ही ध्यान से सुनकर खुद की चेकिंग करनी है। हम सुनते आए रिलीजन इज माइट, क्या अर्थ है इसका, कौन से धर्म में शक्ति है, ये भी समझेंगे। शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम, और रावण का ठिकाना कहाँ है, लंका, कौन सी लंका। बाबा तो कहते हैं ना, पूरी दुनिया ही अभी लंका है, हर एक के अंदर रावण है, तो रावण हुआ ना सर्वव्यापी, तो इस रावण को भी ठिकाने लगाना है, या हमारे अंदर इसने जो अपना ठिकाना बना लिया है वहां से इसे निकालना है। क्या करना है, आज 7 अप्रैल 2023 की सतो प्रधान बनाने वाली मुरली में सुनेंगे क्या करना है इस रावण का। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है, मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। बाबा कहते तुम्हें डबल अहिंसक बनना है, स्थूल हथियार तो उठाना ही नहीं है और काम कटारी भी नहीं चलाना है, किसी के बारे में गलत सोचना भी मना हिंसा है। तो बाबा कहते मन से वचन से कर्म से कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख पहुंचे, तो तुम्हें डबल अहिंसक बनना है, मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हम सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं, दुख हरना है हमें सबका, तो दुख देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न है कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है
उनकी निशानी क्या होगी। जिन्होंने पूरा वर्षा लिया, बाबा बताते हैं उन बच्चों की निशानी उत्तर में, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। जैसे ही पता चलेगा कि भगवान आए हैं, श्रीमत दे रहे हैं, इससे हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, तुरंत वो मायावी दुनियावी संग साथ छोड़ देंगे, पतितों का संग छोड़ेंगे और बाप की श्रीमत पर चलेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। जैसे ही पता चलेगा कि भगवान की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि सब बच्चे पवित्र बने, तो ये बात पता चलते ही उनके इस फरमान पर चलने लग पड़ेंगे। गृहस्थी में रहते हुए संपूर्ण पवित्रता का पालन करेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर में दुनिया कैसे चलेगी। जैसे दुनिया वाले लोगों के मन में प्रश्न होता है ना कि सतयुग में दुनिया कैसे चलेगी, या हम पवित्र हो जाएंगे तो अभी दुनिया में वृद्धि कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे पूरा वर्षा लेते हैं, उनके मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती, मना विकार में नहीं जा सकते। वे अपने को शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन, और हम क्या हैं, आपस में आत्मा आत्मा रूप में भाई भाई, ऐसे समझकर चलेंगे। तो बाबा ने ये बताई उन बच्चों की निशानी जो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। तो चेक करना है हमें, आगे हम मुरली में और सुनेंगे। गीत बजा। शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है। बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी की महिमा नहीं करनी है, भक्त महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है उनकी महिमा गाते हैं। परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। एक किसकी महिमा गानी है? निराकार की, शिव बाबा की। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं, तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं। अभी उस दिन भी था ना कि भारत सबसे ऊंचा देश है, भगवान का बर्थ प्लेस है, तो चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है। सिर्फ भारत में ही इतना भक्ति का बोलबाला है और किसी देश में नहीं है। तो बाबा कहते हैं पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं है, कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु वह यह समझते नहीं। वास्तव में महिमा है शिव की, जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं, माना उनको महिमा के लायक बनाते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। दिलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं हैं, बच्चे तो ढेर हैं। एक यादगार रूप में मंदिर बनाया गया है, तो सारे बच्चों का तो नहीं बन सकता एक साथ, बच्चे तो बहुत हैं। तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़े के ही निकालेंगे। जो मुख्य हैं उन्हीं के तो चित्र निकलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं सबके तो चित्र हो न सके। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, शिव बाबा इनमें बैठा है। कल्प पहले भी ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। बाबा ने सिखाया और जिसने अच्छी तरह सीखा,
जिन्होंने अपना चरित्र बनाया उनका ही तो चित्र निकलेगा ना। तो बाबा कहते हैं, कल्प पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था, अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है, माना अब हम प्रैक्टिकल सामने सम्मुख सीख रहे हैं। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने, सबकी अपनी अपनी मत है, एक जैसे सब नहीं हैं। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सब दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं किसी न किसी रूप में। देखो, भगवान को परमात्मा को याद करते हैं, साइंटिस्ट भी ऐसे नहीं मानेंगे भगवान को, गॉड को, लेकिन मुंह से निकलता जरूर है ओ गॉड, ओ माय गॉड। तो बाबा कहते हैं परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, दुख में सिमरण सब करते हैं, सुख में सिमरे ना कोई। दुख में सिमरण किसका करते हैं? एक का, एक का भल सिमरण करते हैं परंतु जानते ही नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं, अनजाने में ही महिमा करते हैं, यथार्थ तो जानते ही नहीं है, याद करते हैं लेकिन पहचानते नहीं, पता नहीं। यहाँ तो है सारी धर्म की बात, गाया जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है, किस धर्म में इतनी शक्ति है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है, देख ही रहे हैं अभी सब धर्मों में कितने विभाजन हो रहे हैं। तो बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें भी माइट है, सर्वशक्तिमान स्वयं धर्म की स्थापना करते हैं तो उस धर्म में तो शक्ति होगी ना। देखो 2500 साल तक वो धर्म चलता है, बाकी कोई धर्म इतना तो चलता नहीं है ना, चला भी, बस इस्लाम भी आया 2500 साल पहले, लेकिन देखो कितना विभाजन हो गया, कितने अलग अलग मत हो गए सबके। तो बाबा कहते हैं कि जो धर्म स्थापन करते हैं बाबा उसमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। धर्म का अर्थ क्या है? धारयति इति धर्म। तो जो हम धारणा करते हैं देखो वो कितनी शक्ति बन जाती है, जितना जितना हम दिव्य गुणों की धारणा करते जाते हैं हमारे में शक्ति बढ़ती जाती है। तो इसमें शक्ति है ना, धारण करने में शक्ति है, माइट है, धारणा में माइट है। तो बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी, तो बाबा जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। हम बाप से राजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते हैं, सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती, हथियार भी नहीं होगा और सूक्ष्म में काम कटारी भी नहीं होगी। एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, यह भी बाण चलाना है, भले स्थूल हथियार न उठाएं लेकिन बुरा अक्षर कहना, किसी को जोर से बोलना, गलत बोलना, कहते हैं ना कि बोल के तीर मारना, तो ये भी तो क्या है, क्रोध करना, ये सब बाण चलाना है, तीर चलाना है, इनको वॉयलेंस कहा जाता है। तुम किसको दुख नहीं दे सकते, बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ, सुखकर्ता दुखहर्ता बाप हमें सिखाते हैं कि सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा, बंदूक आदि चलाना मारना वह भी हिंसा है, कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है, इसलिए बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। हमारे किसी भी कर्म से, बोल से या विचार से किसी को यदि दुख पहुंचता है तो ये हिंसा है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, अहिंसा परम धर्म है ना, अहिंसा परमो
देवी देवता धर्म, तो देवी देवता धर्म वाले जो हैं वो देखो डबल अहिंसक हैं, तो ये है परम धर्म। उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी, कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो मनसा वाचा कर्मणा भी किसी को दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कल्प पहले की थी अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना पीटना क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं, अब हमें चेक करना है। हाँ, अब तो हम किसी को मारते पीटते नहीं है, क्रोध तो नहीं करते हैं माताएं। मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। पवित्रता की बात है इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। कैसे मनाते हैं दुनिया में, बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी नहीं चलाना, परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। माँ तो समझते हैं ना कि भाई लोग बहनों की रक्षा करेंगे, लेकिन अर्थ क्या है कि काम कटारी नहीं चलाना है। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे, तो तुम भाई बहन हो गए। सब आपस में भाई बहन हैं तो काम कटारी कैसे चला सकते हैं, आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, विकारी कर्म नहीं कर सकते हैं। यह है पवित्र बनने की युक्ति। भाई बहन कभी आपस में शादी नहीं करते हैं, तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुमारी, कुमारी कन्या का मंदिर भी है माउंट आबू में, देखो अधर कुमारी और कुमारी कन्या का, जगदम्बा का भी मंदिर है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उनको अधर कहा जाता है। पहले विकारों की सीढ़ी चढ़े और फिर उतरे और फिर पवित्रता पालन कर रहे हैं तो उनको अधर कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में है, तो यादगार मंदिर बना हुआ है, मना होकर गए हैं तो अभी ये चीज प्रैक्टिकल में हो रही है। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अरे मान लो किसी एक दो को नहीं भी बच्चे होते हैं तो क्या सृष्टि चलती नहीं है? चलती है ना, तो सब तो पवित्र नहीं बनेंगे, तो सृष्टि जिनको चलानी है, जिनका रोल नई आत्माओं को लाना है, तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये मत तुम समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है, तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। दुनिया कैसे चलेगी और लोग क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं देखना है। हमें बाबा का साथ मिला है, बाबा की श्रीमत मिली है, तो हमें पतितों का संग अब छोड़ना है। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं, कम से कम इसमें तो हम सहयोग न देना कि हम विकारी दुनिया रचें। बाबा जो नई दुनिया रच रहे हैं उसमें हमें सहयोग देना है, पवित्र दुनिया लाने में हमें सहयोग देना है। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी, तो सतयुग हमें लाना है, निर्विकारी दुनिया हमें बनाना है। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने न माने। बाबा कहते मेरा काम है बताना, मैं बोल रहा हूँ, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, अर्जी मेरी मर्जी तुम्हारी। श्रीमत भगवान उवाच, भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे, जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा, जिसकी संगत होगी जैसी वो वैसा ही बनता है ना, तो बाबा खुद जैसे हैं वैसे ही हमें बनाएंगे। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा, यह है बाबा का लॉन्ग बोट। देखो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी की हाइट भी बहुत अच्छी थी, तो बाबा कहते हैं ये लॉन्ग बूट है। बाबा को शरीर तो चाहिए ना, उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है। बाबा कहते हैं ये जूता पुराना हो गया, शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है, लॉन्ग बूट। बाबा मुंबई जाते थे तो हैंगिंग गार्डन में है ना बूट, तो बाबा कहते थे वो देखो बूट, ऐसे ही मैंने लॉन्ग बूट लिया है, तो अभी तो वो जूती पुरानी हो गई है। जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है, माना पहले पवित्र थी अभी पतित हो गई है।
बाबा ने समझाया है, तुम इस समय श्याम हो, फिर सुंदर बनते हो। इस समय हरेक श्याम बन गया है। सब काम चिता पर चढ़े ना तो काले हो गए, श्याम बन गए, पतित हो गए। उनको 84 जन्म लेने पड़े। हरेक श्याम बन गया है, उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नर्क को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नर्क में श्याम हूँ तो लात मारता हूँ। बाबा भी देखो, उनको पता था ना कि मैं ही कृष्ण की आत्मा, मैं ही कृष्ण बनूंगा, मैं ही नारायण। तो कितना खग्गियाँ मारते थे, डांस करते थे, बाबा खुश होते थे कि मैं ये बनने वाला हूँ। तो वही कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग में सुंदर था और नर्क में श्याम हूँ तो लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे, सारी डायनेस्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। अभी श्याम है और फिर श्रीमद पर सुंदर बन रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली दह में सर्प ने डसा, दिखाया ना कि कालिया नाग ने कृष्ण को डसा, तो वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है। ये पांच विकारों रूपी जो नाग है, सर्प है, ये सबको डसते रहते हैं। माया ने सबको काला बना दिया है, बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं। और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। बाबा आते हैं तो स्वर्ग की, राज्य की स्थापना भी करते हैं और धर्म स्थापन भी करते हैं। बाकी धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं। इब्राहिम, बुद्ध आदि राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सदगति के लिए। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, न कि सदगति करने। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं। तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह न सके। गुरु माना जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, जो रास्ता दिखाए, जो सदगति दे। तो धर्म स्थापक तो कोई भी ऐसा नहीं करते हैं, है? रास्ता दिखाते हैं, धारणाएं सिखाते हैं, लेकिन उससे हमें सदगति तो नहीं मिलती ना, वो तो बाबा आके करते हैं। तो सच्चे सच्चे सदगुरु तो शिव बाबा हैं। सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, यह रॉन्ग हो जाता है। वह अवतार लेते हैं, बाबा का दिव्य अवतरण होता है। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। परंतु कैसे आते हैं यह कोई समझते नहीं है। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। इस तरह से कोई बोल सकता है कि मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं तन में प्रवेश करता हूँ, परम धाम से आता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। अनुभवी शरीर लेंगे तभी तो समझाएंगे ना, छोटे तन से तो बात कर न सके। मैं अनुभवी रथ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म, वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। दादा लेखराज जी पूरे अनुभवी है ना, दुनियादारी की पूरी समझ और भक्ति के संस्कार भी थे। तो बाबा कहते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानता था, अब तो जानते हैं। एक बार बता देता हूँ, पहले यह देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। कान खोल के सुन लो, एक बार बता देता हूँ कि पहले यह देवता था और फिर 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म है और अब मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं तो यह माता भी हो गई।
शिव बाबा निराकार पिता और ब्रह्मा हो गए माता। ब्रह्मा बेहद की माँ, वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है, क्योंकि मेल बॉडी में है ना, और प्रजापिता भी है, तो निमित्त फिर मम्मा को बनाया। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, तो हम सब हो गई जगत माताएं, है ना। हम सबका भी फर्ज है, रचना रचना है ना, और ब्राह्मणों को लाना है, उनकी पालना करनी है, तो सब माताएं हैं, तो तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो, सबको ज्ञान देना है, बाबा का संदेश सुनाना है, स्वर्ग का रास्ता दिखाना है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं, स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ ही नहीं किया उन्होंने, तो कैसे स्वर्गवासी बन जाएंगे। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्होंने को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन, जरूर नहीं थे तब बनाया, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, बाबा कहते हैं ना, सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सतयुग में रावण को जलाते नहीं, क्यों नहीं जलाते सतयुग में रावण को, क्योंकि वहां रावण है ही नहीं। मनुष्य कहते हैं यह रसम अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं, कहते बस जलाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जलाते थे इसलिए हम भी जलाते हैं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है, रावण का कोई ठिकाना नहीं है, रावण का कोई ठिकाना नहीं है, या हम सबके अंदर ठिकाना बनाया है रावण ने। तो शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम, रावण का धाम कहाँ है, बाबा कहते पूरी दुनिया लंका है, तो इस बेहद की लंका में, मन मन में, देखो रावण सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते हैं कि रावण का धाम कहाँ है, वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। जो कहते हैं ना हर आत्मा परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है, हर आत्मा में रावण है ना, सबके अंदर ठिकाना कर लिया, घर बना लिया। तो बाबा कहते हैं जब रावण राज्य पूरा होगा सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। तो क्या करना है, हमें पावन बनना है। कैसे बनेंगे पावन, बाबा से योग लगाकर पवित्र बनना है और दिव्य गुणों की धारणा करनी है, तब रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। कौन रावण, राम और रावण दो चीजें हैं, राम स्वर्ग स्थापन करते, रावण दुखी बनाते। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है, फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ। हम सबके अंदर छोटे बड़े देखो सभी भूत हैं, बाबा आकर भूतनाथ आकर इन भूतों को निकालते हैं, यह भूत ही सभी को दुख देते हैं, बाहर के भूत नहीं, हमारे अंदर के भूत ही देखो दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो फिर रोते क्यों हो, आपके कोई रिश्तेदार हैं स्वर्गवासी हो गए तो रोने की क्या बात है, वहां तो वैभव ही वैभव है, इसलिए रोते हैं कि वो अकेले चले गए स्वर्ग में, स्वर्ग के सुख उठाने, तो जाना था उनके साथ। बाबा कहते हैं क्यों रोते हो, वहां तो वैभव ही वैभव है, मनुष्यों को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है, अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है, दोजख खत्म हो जन्नत बहिष्ठ आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है, हमें लाना है। दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है, अब सर्व का सदगति दाता आया है सबको सुखी करने लिए, बाबा आ गए हैं अब कोई दुखी रह नहीं सकता, तो अच्छे दिन आने वाले हैं।
आएंगे या हमें लाना है? सब कुछ हमें लाना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। दूसरा, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है, स्वर्ग का मालिक बनने लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान है हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट, आत्मा लाइट, और सारे बोझ बाप को दे दिए और मैं आत्मा लाइट, फरिश्ता लाइट, हल्का। बाबा समझाते हैं, हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप, और जैसे ही हमने संकल्प किया बाबा सामने हाजिर। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने, बाबा आप जाने आपका काम जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, दिल साफ है तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा कहते हैं, अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बनकर रहो, सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। क्यों टोकरी उठानी है, हमें तो ताज पहनना है ना, तो जिम्मेवारियों का बोझ ये टोकरी हमें नहीं उठानी है। कैसे ताज पहनेंगे, नहीं तो टोकरी के ऊपर ताज पहनेंगे। बाबा कहते हैं, ट्रस्टी बनकर रहो, सदा हल्के, सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर दो, सौंप दो, बाबा की जिम्मेवारी है और हम ट्रस्टी निमित्त मात्र हैं। तो उड़ने का मौसम है तो अब डबल लाइट फरिश्ता बनकर उड़ना है। स्लोगन है उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। कैसे उड़ेंगे? उमंग और उत्साह के पंख से उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उड़ते रहो, औरों को भी उड़ाओ और बातों को भी उड़ाओ। बातों को उड़ाओ, खुद भी उड़ो, अन्य आत्माओं को भी अपने साथ उड़ाओ। कैसे? उमंग उत्साह के पंख लगाकर। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट है डबल अहिंसक। हमारी महिमा है डबल अहिंसक, स्थूल हथियार भी नहीं हो और काम कटारी भी नहीं चलानी है, किसी को दुख भी नहीं देना है। रिलीजन इज माइट, धार्यति इति धर्म, तो धारणा में ही शक्ति है। बाबा जो देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि बाबा ऑलमाइटी है, इसलिए इस धर्म में ही शक्ति है। तीसरी बात, शिव अवतरण, बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, शिव का अवतार होता है, अवतरण होते हैं, है ना। चौथा पॉइंट है ट्रस्टी, बाबा ने कहा सब कुछ जिम्मेवारी बाप को दे दो और आप डबल लाइट फरिश्ता बनकर उड़ो, ट्रस्टी बनकर संभालो। और पांचवा है उड़ती कला, जिसके के लिए हमें चाहिए उमंग और उत्साह के पंख। ओम शांति। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो।
सरल सरल सदा सरल सरल तुम हो कि निर्विकार सबका करो सत्कार तुम हो कि निर्विकार सबका करो सत्कार ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्रता मनुष्यता की शान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है पवित्र मन रखो पवित्र मन रखो पवित्र मन रखो पवित्र मन रखो पवित्र मन रखो